अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल फाइन. ओके, ओपन योर अमेजिंग साइंस. हम लोगों ने कल जो पढ़ा था लिविंग थिंग्स के बारे में, उसका नेक्स्ट आप लोगों ने पेज नंबर 4 ओपन कर लेना है. जी, पेज नंबर 4 का जो हमारा रिमेनिंग जो है लिविंग थिंग्स का पार्ट है, वो अब हम स्टडी कर रहे हैं. लिसन वेरी केयरफुली. मोस्ट ह्यूमंस ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. कि बहुत सारे जो ह्यूमंस होते हैं, इंसान जो होते हैं, वो दोनों चीज़ें खाते हैं. वो प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं. एंड डू सो, और इसी तरह से सम एनिमल्स लाइक एंट्स. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि एंट्स खाते हैं, क्रॉस एंड रैट्स, और वो रैट्स खाते हैं. जिस तरह जो बिल्ली वगैरह होगी तो वो रैट्स वगैरह को खा लेती है. इसी तरीके से यहाँ पर आप पिक देख रहे हैं कि जो हम लोग होते हैं, वी ईट प्लांट्स एंड एनिमल्स. के हम जो हैं वो दोनों चीज़ें खाते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं, एनिमल्स भी खाते हैं, जिसमें चिकन भी आ जाता है, फिश भी आ जाता है, मीट वगैरह ये सारा कुछ आ जाता है. तो हम दोनों चीज़ों को खाते हैं. ग्रीन प्लांट्स डू नॉट ईट फूड लाइक एनिमल्स. जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जो सब्स पौधे होते हैं, वो अपने खुराक नहीं खाते लाइक एनिमल्स, जानवरों की तरह. दे मेक देयर ऑन फूड. ऑन OWN ऑन मीन अपनी फूड, यानी दे मेक देयर ऑन फूड. वो अपनी खुराक खुद बनाते हैं इन देयर ग्रीन लीव्स, अपने ही ग्रीन पत्तों में. When the sun is shining on them, जब सूरज की रोशनी उन पर पड़ती है, तो वो अपने ग्रीन पत्तों में अपनी खुराक खुद बनाते हैं. वो अपनी खुराक खुद उनको बनानी पड़ती है. वो दूसरे जानवरों की तरह खुद से वो नहीं कर सकते कि उनको प्रोवाइड की जाए. वो अपनी खुराक सूरज की रोशनी में खुद बनाते हैं. यहाँ पर आपको पिक के नीचे नज़र भी आ रहा है, ग्रीन प्लांट्स मेक फूड इन सनलाइट. के जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जो सब्स पौधे होते हैं, वो अपनी खुराक खुद बनाते हैं. इसी तरीके से आगे चलते हैं. सम प्लांट्स लाइक द पिक्चर प्लांट्स कैच इंसेक्ट्स. ये देखें, आपने यहाँ पर पिक्चर के उसको पौधे को देखा होगा कि ये जो है इंसेक्ट्स को कैच करते हैं, इंसेक्ट्स खाते हैं. इसी तरीके से यहाँ आपको पिक्चर में नज़र आ रहे हैं. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सम प्लांट्स दैट आर नॉट ग्रीन. कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि ग्रीन नहीं होते, उनका कलर थोड़ा सा डिफरेंट होता है असल उस ग्रीन की उसमें. यहाँ पर आपको पिक्चर में नज़र भी आ रहा है कि उनका कलर जो है ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट है. कैन नॉट मेक देयर ऑन फूड. वो अपनी फूड खुद से नहीं बना सकते. यानी कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि ग्रीन नहीं होते, वो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते. अब देखते आगे उनके साथ क्या होता है. दे टेक फूड फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स. वो अपनी खुराक जो होते हैं वो ग्रीन प्लांट्स से लेते हैं. जिस तरह यहाँ पर आप देख रहे हो कि डॉटर जो है वो टेक्स फूड फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स. कि यहाँ पर ये जो हल्के कलर का जो ग्रीन कलर है, ये अपनी जो खुराक है, ये जो दूसरा कलर है जो डार्क कलर का है, यहाँ से अपनी खुराक लेता है. ये अपनी खुराक खुद से नहीं बना सकता. जी स्टूडेंट्स, पेज नंबर 5 पे आते हैं. उसका जो रिमेनिंग पार्ट है हमारा लिविंग थिंग्स का, यूनिट 1 का, तो पेज नंबर 5 है. लिविंग थिंग्स ब्रीथ. जानदार चीज़ें जो है वो ब्रीथ लेती हैं. ब्रीथ का मतलब होता है सांस लेना. अब हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से वो सांस लेती हैं, जो मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं. ऑल लिविंग थिंग्स नीड टू ब्रीथ एयर. कि जो तमाम जानदार चीज़ें होती हैं, उनको नीड का मतलब होता है ज़रूरत होना. उनको ज़रूरत होती है सांस लेने की हवा में. तमाम जानदार चीज़ों को हवा में सांस लेने की ज़रूरत होती है. लिविंग थिंग्स कैन नॉट लिव विदाउट एयर. कि जो जानदार चीज़ें होती हैं, वो हवा के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकती. लिव, LIVE, लिव. लिव मीन ज़िंदा रहना. विदाउट एयर, हवा के बगैर. लिविंग थिंग्स कैन नॉट लिव विदाउट एयर. के जानदार चीज़ें हवा के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकती. वी टेक इन एयर थ्रू आवर नोज. के हम जो हवा लेते हैं अपने नोज़ के ज़रिए हवा लेते हैं. एंड माउथ, और मुँह के ज़रिए हम हवा जो लेते हैं, हम नोज़ और माउथ, यानी हम नाक और मुँह के ज़रिए हवा लेते हैं. अ कैटरपिलर. अब हमारे पास जो एक एग्जाम्पल आ रही है, वो कैटरपिलर की आ रही है. यहाँ पर आप उसकी पिक भी देख रहे हैं कि ये कैसे लेता है हवा. अब इसमें देखते हैं. अ कैटरपिलर टेक्स इन एयर थ्रू स्मॉल होल्स. कि एक कैटरपिलर जो है वो अब जब हवा में सांस लेता है, तो उसके छोटे छोटे सुराख होते हैं. होल्स कहते हैं छोटे छोटे सुराख. यहाँ पर देखें, आपको पिक्चर में ब्लैक कलर के होल्स नज़र आ रहे हैं, सुराख नज़र आ रहे हैं. तो आपको इसका पता होना चाहिए, होल्स किसको कहते हैं. छोटे छोटे सुराख को कहते हैं. ऑन द साइड्स ऑफ इट्स बॉडी. इसकी जो बॉडी के ऊपर जो इसी की साइड पर छोटे छोटे सुराख होते हैं, ये उनके ज़रिए हवा में सांस लेता है. अ फिश. अब सेकेंड नंबर पर फिश है. अ फिश टेक्स इन एयर. कि जो फिश हवा लेती है फ्रॉम द वाटर, पानी में, थ्रू इट्स गिल्स. ये अपने गिल्स के ज़रिए लेती है. कि इसके गिल्स होते हैं, जिसको हम उर्दू में जो है वो गलपेड़े कहते हैं. तो ये यहाँ अपने गिल्स के ज़रिए जो है ना, फिश पानी में हवा लेती है.
अब प्लांट टेक्स इन एयर, और जो एक प्लांट होता है, जो एक पौधा होता है, वो किस तरह से एयर लेता है, थ्रू स्मॉल होल्स, उस छोटे छोटे सुराखों के जरिए इन इट्स लीव्स, अपने ही पत्तों में कार्ड स्टोमेटा, जिसको स्टोमेटा कहा जाता है। आपके घर में कोई प्लांट है तो आपने उसका ग्रीन लीफ तोड़ना है, तोड़ कर आपने देखना है, आपको यहाँ पर वो सारा कुछ नज़र आ जाएगा जो यहाँ पर बयान कर रहे हैं कि छोटे छोटे सुराख होते हैं जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं, और वो इनके जरिए जो है ना वो हवा लेता है जो प्लांट्स होते हैं। ठीक है, तो हमने ये जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स है, आपने इन वर्ड्स को अपने उस पर नोटबुक में राइट करना है और ऊपर लिखना है लिविंग थिंग्स, और उसके बाद डिक्टेशन वर्ड्स हैं, नीड है, ब्रीथ है, होल्स हैं और स्टोमेटा है, ओके, गेल्स हो गया। तो आपने ये तमाम वर्ड्स जो है ना अपने डिक्टेशन वर्ड्स आपने राइट करने हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।